हाँ जी गुड इवनिंग टू ऑल स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न माइंड में आज हम करेंगे सी के लिए मैथ्स कंटेंट ठीक है ये पार्ट टू रहेगा जिसमें आपका नंबर सिस्टम का ये पार्ट टू है हमने पार्ट फर्स्ट आपके साथ डिस्कस किया था उसमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू थी आप उसकी सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि सी में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मतलब फोर से फाइव क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा हम करेंगे आज नंबर सिस्टम का पार्ट टू जिसमें हम देखेंगे जो संख्याएं हैं उनके नंबरिंग सिस्टम उन्हें कैसे बोला जाता है ठीक है और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये सब डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्टी सेवन नाइन ट्वेंटी एट को पढ़ा जाएगा ऐसे क्वेश्चन देखिए सी टैट में आए हुए हैं ये सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो मैंने उठाए हुए हैं और ये आपके साथ डिस्कस कर रही करे क्योंकि पिछले जो है क्वेश्चन वो ज़्यादा से रिपीट होते हैं इन केस ऑफ सी टैट सी टेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं सो so, इस अगर हम इसको देखें फोर ज़ीरो सेवन नाइन टू एट इसको हम कैसे बोल सकते हैं देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्कीस दहाई सैकड़ा हज़ार सौ ठीक है हज़ार दस हज़ार और लाख सबसे पहले इसे हम चार लाख बोलेंगे चार लाख वाले ऑप्शन देखिए डी और ए रह गए बाकी कट गए सैंतालीस हज़ार ना तो चालीस हज़ार हो सकता है ना ही क्योंकि ये लाख वाली टर्म बन गई है ये हज़ार वाली टर्म नहीं बनी ये बी और सी तो कट गए अब ए और डी में से है अब देखिए चार लाख चार लाख अब ये वाला पार्ट देखते हैं इक्कीस दहाईस सैकड़ा हज़ार सो so, ये क्या बन गया उन्नासी हज़ार अट्ठाईस इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ए होगा चार लाख उन्नासी हज़ार अट्ठाईस ठीक है चार लाख सात हज़ार नौ सौ अट्ठाईस ये गलत है क्योंकि चार लाख सात हज़ार नौ सौ अट्ठाईस ये नहीं बनता चार लाख उन्नासी हज़ार अट्ठाईस ये बिल्कुल सही ऑप्शन है सो so, इसका आंसर क्या हो गया ए ठीक है इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया ए ये इज़ द राइट आंसर देखिए नेक्स्ट सेकंड हिंदू अरबी संख्या पद्धति में चार अंक वाली कितनी संख्याएं हैं हमें पता है चार अंक वाली जो फोर डिजिट नंबर है वो सब मतलब ज़्यादा कितने होते हैं देखिए हमें पता है लास्ट कितने होते हैं नाइन 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 सो स्टार्टिंग से अगर हम नाइन 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 तक जाए तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी यही तो बन जाएंगी संख्याएं इतनी तो होंगी हमारे मतलब सारी फोर डिजिट वाली संख्याएं जो लास्ट वाला होता है वही होती है चार अंक वाली संख्या है मतलब अगर हम हमसे पूछा होता कि तीन अंक वाली संख्याएँ बताइए तो वो कितनी होती ट्रिपल नाइन अगर उन्होंने चार अंकों वाली पूछा है तो फोर टाइम्स नाइन ठीक है तो इसका आंसर क्या हो गया सी किस में कुछ भी कन्फ्यूज़न वाली बात है ही नहीं आपको बस आँख बंद करके ऑप्शन करना है जो भी आपको सही लगता है और हमने हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और बिल्कुल जो है प्योर रिजल्ट के साथ ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है कुछ भी इसमें गलत होगा ठीक है पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ और पूरा देख पर के ही हम इसको कर रहे हैं देखिए थर्ड क्वेश्चन ये थर्ड है हमारा यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं ए और बी ये नेचुरल नंबर्स हैं ए और बी ए की पावर बी एक सौ पच्चीस है तो उसमें बी की पावर ए क्या होगी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ए की पावर बी एक सौ पच्चीस हमें पता है एक सौ पच्चीस पाँच का तो गुणांक होगा कितनी पावर होती है पाँच की कितनी पावर पाँच पाँच ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करो वन ट्वेंटी फाइव बन गया सो so, फाइव की पावर थ्री फ़ाइव की पावर थ्री वन ट्वेंटी फाइव सो ए की फाइव है बी कितना है थ्री है सो so बी की पावर ए पूछा है उन्होंने बी की पावर ए मतलब थ्री बी है और उसकी पावर ए मतलब फाइव है थ्री की पावर फाइव कितना बन गया कैलकुलेट कीजिए थ्री को पाँच बार मल्टीप्लाई कीजिए थ्री इंटू थ्री 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 एक दो तीन चार पाँच ठीक है नाइन नाइन से जो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन नाइन्स ट्वेंटी सेवन को नाइन से मल्टीप्लाई करो टू फोर्टी थ्री so, सो इसका आंसर क्या आ गया सी सो so, क्या था इसमें दो मिनट की कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था और कुछ था क्या इस क्वेश्चन में नो दो मिनट की कैलकुलेशन थी ठीक है टू फोर्टी थ्री इसका जो आंसर है वो टू फोर्टी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखो प्रथम पांच धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग है ए ट्वेंटी बी थर्टी नाइन सी ट्वेंटी एट या डी एटी सबसे पहले प्रथम पाँच धन रूढ़ संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ प्रथम पाँच पहली पाँच पॉजिटिव अभाज्य संख्याएँ पहले तो पॉजिटिव ये होंगी प्राइम नंबर्स अभाज्य ये कि कहाँ से शुरू होते हैं रूढ़ मतलब पहली बेसिक सबसे पहले टू होती है हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स देखने हैं प्राइम नंबर्स क्या होते है? हैं अभाज्य संख्याएं जो कि एक से ही मतलब जो वो संख्या जो एक से डिवाइड हो और अपने खुद के नंबर से डिवाइड हो जैसे टू थ्री फाइव सेवन ठीक है टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन आठ भी नहीं नौ भी नहीं दस भी नहीं ग्यारह सो so, इत का कितना बन गया फाइव फाइव टेन सेवनटीन सेवनटीन इलेवन ट्वेंटी एट क्या था इसमें ये क्या है हम अभाज्य संख्याएं समसंख्यां विषम संख्या, है, संख्या, है, संख्या इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नंबर्स और नंबर्स क्या होते हैं जो टू के साथ डिवाइड ना हो जैसे वन थ्री फाइव सेवन नाइन जो टू के साथ डिवाइड ना हो बट जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं हैं वो जो अपने ही नंबर अपने ही से डिवाइड हो या फिर वन से डिवाइड हो ठीक है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए सतारह पंद्रह पॉइंट टू सेवन वन में सात के स्थानीय मानों का अंतर है हमने स्थानीय मान प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हमने मतलब पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था अब इसमें देखिए ये क्या है इसको हम पहले कैसे लिखेंगे बाय कितनी ज़ीरो आएंगी नीचे थ्री ठीक है अब हमने सात के मान एक तो साथ यहाँ पर बढ़ा हुआ है एक साथ यहाँ पे बढ़ा हुआ है इस साथ का मान क्या होगा सेवेंटी सेवेंटी बाय थाउजेंड ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई कितना बच गया सात बाय सौ ठीक है अब इस साथ में इस साथ में कितनी ज़ीरो आएंगी दो तीन चार पाँच तीन के साथ कट गई तो तीन के साथ कट की तो कितनी रहेगी ऊपर दो सात सौ बन गया ना माइनस सात बाय सौ ठीक है अब हम उसे माइनस करेंगे देखिए ज़ीरो तो कभी नहीं बन सकता सात सौ से अब कम ही होगी संख्या ये भी नहीं बन सकती तो ये ही रह गया ऑप्शन बिकॉज सात सौ से हमने कितना माइनस करना है पॉइंट ज़ीरो सेवन तो ये कितना आ गया सिक्स नाइन नाइन पॉइंट नाइन थ्री क्योंकि सात सौ तो कम ही होगी ना संख्या सात सौ बड़ी तो नहीं होगी तो सो ये क्या आ गया सिक्स नाइन नाइन पॉइंट नाइन थ्री नेक्स्ट देखिए सिक्स क्वेश्चन संख्या एक से चालीस तक के और और की विषम संख्याओं का योग विषम मीन्स ऑड नंबर्स ऑड नंबर्स यानी कि वन प्लस थ्री प्लस फाइव इससे कर करके फोर्टी से पहले थर्टी नाइन भी ऑड ही है ठीक है थर्टी नाइन भी क्या होगी ऑड नंबर होगी ठीक है सिक्स क्वेश्चन देखिए संख्या एक से चालीस तक की विषम संख्याएं विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर्स ठीक है ऑड जो कि टू से डिविजिबल ना हो जैसे कि वन एक एक छोड़ कर वन टू को छोड़ दो थ्री फोर को छोड़ दो फाइव सिक्स को छोड़ दो सेवन ऐसे करते करते जब हम फोर्टी तक जाएंगे तो आधी संख्याएँ तो कम ही हो जाएंगी फोर्टी से कितनी संख्या रह जाएंगी ट्वेंटी ट्वेंटी ही रह जाएंगी बिल्कुल बीस संख्या रह जाएंगी हमारे पास क्योंकि जब हम जाएंगे जाएंगे फोर्टी तक तब एक एक छोड़कर ही हम उसको प्लस कर रहे हैं ना तो फो ट्वेंटी रह गई और इसका फॉर्मूला क्या होता है जब हमारे पास विषम संख्याओं का योग पूछा हो और नंबर्स का योग तो एन स्केयर मतलब एन जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं ट्वेंटी सो हम ट्वेंटी का स्केयर कर देंगे ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी तो इसका आंसर क्या आ गया फोर हंड्रेड डी इज़ द राइट ऑप्शन ठीक है उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन एक से सौ तक संख्याओं के अंक ज़ीरो कितनी बार आता है ज़ीरो कितनी बार आएगा दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ कितनी बार ज़ीरो आया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह बारह के में दो है ना सो आंसर क्या होगा ग्यारह इलेवन सो सिंपल ठीक है अगर कोई भी आपको डाउट हुआ है डाउट है आप कमेंट बॉक्स में या मुझे एफ बी पेज पर लर्न माइल के पेज पर आप वहाँ पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अगर आप अगर आपके पास कोई भी डाउट है या कोई भी क्वायरी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट छोड़ के जाइए कि आपको कैसी लगी लग ये वीडियो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एर्थ क्वेश्चन एक अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होता है वट इज प्राइम नंबर एक सम संख्या एक विषम संख्या एक संयुक्त संख्या है इनमें से कोई नहीं जो प्राइम नंबर है ना वो क्या होती है प्राइम नंबर हमें पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर टू से शुरू होता है वन से कभी नहीं शुरू होगा ठीक है टू थ्री फाइव सेवन ऐसे ऐसे करते करते ये अभाज्य संख्याएं जो हैं ये प्राइम नंबर्स ऐसे ऐसे शुरू होते हैं टू थ्री फाइव सेवन नाइन नहीं होगा इलेवन होगा इलेवन के बाद थर्टीन होगा फिर सेवनटीन होगा ठीक है सो so, ऐसे 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 करते होते जाएंगे तो एक तो ये कौन सी संख्या होगी एक विषम संख्या ठीक है एक जो प्राइम नंबर है वो विषम संख्या होती है बट हम अगर टू के केस में देखें तो टू तो एक सम संख्या होगी ठीक है टू तो हम कहते हैं कि ये इवन नंबर है बट अगर हम बाकियों की बात करें थ्री फाइव सेवन इलेवन वो तो सारे क्या है और नंबर है सो so, इसलिए हम विषम संख्या पर ही जाएंगे ठीक है संयुक्त संख्या सम संख्या, संख्या होती है ईवन नंबर ये ईवन नंबर तो नहीं है ना बाकी नेक्स्ट चलते नाइन्थ क्वेश्चन के और एक से तीस तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएँ हैं कितनी अभाज्य संख्या है? ये भी हमें कैलकुलेट करना है एक से तीस तक टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी uh, नाइन तो कितनी होगी तीस थी, तक की पूछे था ना तीस तो नहीं हो सकती वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टोटल कितनी बन गई टेन इज द राइट ऑप्शन ठीक है सो so, ए क्या हो गया राइट ऑप्शन हो गया बहुत सिंपल है अगर आप दो मिनट निकालें दो क्या एक मिनट में ही सम हो जाता है ठीक है उसके बाद देखिए टेंथ क्वेश्चन सॉरी टेंथ क्वेश्चन में क्या है एक सौ चार मल्टीप्लाई फिफ्टी एक सौ चार को हम खोलकर ऐसे लिख सकते हैं सौ प्लस चार इंटू फिफ्टी सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं देखिए सौ को पहले पचास से मल्टीप्लाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसको इसके साथ प्लस का साइन बीच में फोर इंटू फिफ्टी सो क्या हो गया क्या बन गए डी डी इज द राइट ऑप्शन सो कुछ था क्या इसमें कुछ भी नहीं था बहुत ही सिंपल सा ये ट्रिक है और बहुत से सिंपल से क्वेश्चन हैं जो आपको सी टेट में या किसी भी टेट में पूछे जाते हैं नेक्स्ट ये कितने क्वेश्चन थे टेन ये इलेवन मोहन ने अपनी माँ से कहा कि अपनी उसकी गुल्लक में ग्यारह हजार ग्यारह सौ ग्यारह रुपये जमा हो गए हैं ग्यारह हजार ग्यारह हजार ग्यारह सौ ग्यारह सॉरी ग्यारह हजार सौ ग्यारह रुपए कितनी बन गई इसकी धनराशि एक एक बारह एक, एक सौ ग्यारह कभी भी ऐसे अनुमान मत लगा लेना कि ये जो धनराशि है अगर उसने कहा है ग्यारह हजार ग्यारह ग्यारह रुपए तो मतलब इन सभी का जोड़ ग्यारह हजार प्लस ग्यारह सौ प्लस ग्यारह रुपए तो टोटल ये इतना बन गया ये ये है हम देखकर इस यहाँ पर अनुमान लगा ले ग्यारह हजा, ग्यारह हजार ग्यारह सौ ग्यारह रुपये बट नो इसे हम ऐड करते हैं आगे ट्वेल्थ क्वेश्चन ये ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारे पास हमारे पास ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है सबसे छोटी प्राइम सबसे छोटा प्राइम नंबर एट वन टू या थ्री मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है टू वन कभी भी नहीं होगा ना थ्री ना एट एट तो पहली बात प्राइम नंबर ही नहीं है थ्री है बट थ्री छोटा नहीं है से छोटा टू पड़ा हुआ है ठीक है सो so इसका राइट ऑप्शन क्या है टू एक मिनट एक मिनट ट्वेल्थ क्वेश्चन है ना टू है जो वो इसका राइट ऑप्शन है उसके बाद थर्टीन क्वेश्चन देखिए आई थिंक ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ही हमारा आज का टू सेवेंटी टू स्केयर माइनस वन ट्वेंटी एट स्केयर का वर्गमूल सबसे पहले वर्गमूल मतलब स्केयर रूट और ये ये क्या है ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है इसका फॉर्मूला हमने छोटी छोटी क्लासेस में किया हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यही इस है इसका फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी पहले इनका जोड़ कर दो स्केयर रूट में इनकी सब्ट्रैक्शन कर दो ठीक है जब आपने जोड़ किया तो ये फोर हंड्रेड बन गया जब इनके एडिशन सॉरी जब इनका सब्ट्रैक्शन किया फोर फोर वन ये बना बहुत इजी, है अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोर हंड्रेड का सॉरी अब देखिए फोर हंड्रेड वन फोर्टी फोर फोर हंड्रेड का जो स्केयर रूट होता है वो कितना होता है ट्वेंटी क्योंकि जब हम ट्वेंटी को स्केयर करते हैं तो फोर हंड्रेड बन जाता है वन फोर्टी फोर का स्केर उठ के उतना ट्वेल्व क्योंकि जब हम ट्वेल्व को स्केयरिंग करते हैं तो वन फोर्टी फोर बन जाता है तो कितना हो गया टू फोर्टी नहीं हो गया सो so इसका आंसर क्या हो गया टू फोर्टी हो गया बी इज द राइट आंसर क्या था इसमें बहुत ईजी था कुछ भी नहीं है आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ी सी शब्दावली को समझने की जरूरत है ठीक है अब तो सी टेट आने वाला है या कोई भी टेट है उसमें भी ये जरूरी है देखो ये यूपी टेट का क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है ये सभी प्रीवियस ईयर का मिक्सचर ही है अब ये देखो ये तो कितना ईजी क्वेश्चन है हमें देख कर लगता है पता नहीं कितनी इन्फिनिटी नंबर्स के हमारे पास मल्टीप्लाई है बट टेन नंबर्स के तो मल्टीप्लाई है ओ एडिशन है वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू टेन तक इसका फॉर्मूला क्या होता है जब हमारे पास संख्याओं का एडिशन हो तो एन एन प्लस वन बाई टू नंबर कितने हैं टेन एन प्लस वन टेन प्लस वन इलेवन बाई टू ये एक फॉर्मूला है फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव से जब हमने फिफ्टी को माइनस किया तो क्या हो गया फाइव सो बी इज द राइट ऑन राइट ऑप्शन राइट आंसर थर्टीन फोर्टीन आज हमने कुछ चौदह क्वेश्चन को डिस्कस किया है और ये आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं हम ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स से सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स की थ्योरी को कम्प्लीट करेंगे पूरे जनवरी मंथ हम ऐसे ही इस कोर्स को चलाएंगे इस बैच को चलाएंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए आज के चौदह क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए हो अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए और अगर आपने अभी तक हमारे लर्न माइल फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेगी कि कब वीडियो आती है डेली क्लासेस होती हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच